हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है, ऐसे हमें चोली पहनानी है और पीछे की तरफ से जो एक्स्ट्रा चोली है उसको हम ऐसे सेट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और अब कमर पे हम ले जाएंगे और हमें ये डोरी बांध लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adikulturalvault268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे रेड कलर के नेट की फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। मैंने नेट का कपड़ा यूज किया क्योंकि आज हम कान्हा जी के लिए नेट का कपड़ा यूज करके पोशाक बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका है ये ड्रेस बनाने का। पर अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं या फिर रेयन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। इसकी देखिए जो टोटल लंबाई है वो 22.5 इंच यानी कि 22.5 इंच रखी है मैंने। और अब हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है मैंने। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लेट डालनी है। तो हम ऐसे फोल्ड करेंगे और बराबर करके रखेंगे ऊपर की तरफ से दोनों पीसेस को और इसमें प्लेट डालेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो प्लेट डालने के पहले बराबर करके फिर आप एक सिलाई ऊपर की तरफ से भी लगा लें, जिससे कि दोनों ही पीसेस एक जगह पे सेट हो जाएंगे और आपको प्लेट्स डालने में बहुत आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे आदत है प्लेट्स डालने की, इसीलिए मैं कोई सिलाई नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसमें प्लेट डालूंगी। अब देखिए, बराबर करने के बाद कपड़े को ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है और हम पहली प्लेट डालेंगे। फिर से हम कपड़े को पकड़कर दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और जो पहली प्लेट है उसके ऊपर हम ये दूसरी प्लेट रखेंगे। ज़्यादा गैपिंग मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा कपड़ा मैंने कट किया है। अगर आप कपड़े की लंबाई 22 इंच से कम रख रहे हैं तो थोड़ी दूर दूर भी प्लेट्स डाल सकते हैं। अब देखिए, फिर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और जो दूसरी प्लेट है हमने बनाई हुई उसके ऊपर हम तीसरी प्लेट रखेंगे। ऐसे ही एक के ऊपर एक करते हुए हमें सभी प्लेट्स को सेट करना है, ज़्यादा गैपिंग हम नहीं देंगे। तो 4 प्लेट टोटल मैंने डाली है और अब इसको पहले लॉक कर लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ एक एक प्लेट्स डालते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाकर मैंने देखिए सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है, जिससे कि आगे प्लेट डालने में आसानी होगी। और एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, नीचे की तरफ से सभी प्लेट्स एकदम बराबर होने चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इधर से तो हम कट कर सकते हैं पर इधर से हमने फोल्ड किया है, हम कट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इधर की तरफ से सभी प्लेट्स बराबर होने चाहिए। फिर से हम कपड़े को पकड़ कर फोल्ड करेंगे और थोड़ी सी एकदम जगह छोड़ते हुए हम लास्ट वाली जो प्लेट थी उसके ऊपर रखेंगे। ऐसे ही हमें सभी प्लेट्स डालते जाने हैं और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगाकर सभी प्लेट्स को सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। नीचे की तरफ से भी सभी प्लेट्स एकदम बराबर हैं। पर बिगनर हैं अगर आप तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि दोनों पीसेस को बराबर करके ऊपर से सिलाई लगाने के बाद प्लेट डालें, जिससे कि आपके लिए प्लेट डालना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। आप चाहें तो खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इसके ऊपर हम डोरी रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। और दोनों तरफ से मैंने बराबर एक्स्ट्रा डोरी छोड़ भी दी है। सिलाई लगाकर मैंने देखिए डोरी जॉइंट कर ली है। अब क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है ना, तो इसमें से कपड़ा ऐसे रेशा निकलता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे
और कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि इसमें से रेशा तो निकलने का टेंशन ही नहीं होता है नेट के फैब्रिक में से। तो ये देखिए कट करने के बाद इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है और कान्हाजी की स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रखी है। अब ये जो ड्रेस है ये आप 0, 1 और 2 नंबर के कान्हाजी को पहना सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने कान्हाजी के कमर का मेजरमेंट ले सकते हैं, जो भी साइज़ आता है उसके हिसाब से आप कमर की जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी कान्हाजी की कमर थोड़ी चौड़ी होती है तो किसी किसी कान्हाजी की कमर थोड़ी पतली होती है। ये जो कमर का साइज़ है ये 2 नंबर के कान्हाजी के लिए परफेक्ट आएगा। अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे वाइट कलर के थ्रेड लेस में से एक पीस कट कर लिया है। मैंने थ्रेड लेस यूज़ किया है क्योंकि कान्हा जी के लिए गर्मी में ना जो हम ड्रेस बनाते हैं उसके साथ ये थ्रेड लेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप कोई भी दूसरी लेस लेते हैं तो वो कान्हा जी को चुभेगी, पर इसकी ये खासियत है कि ये बिल्कुल भी नहीं चुभती है, धागे से बनी होती है, इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है और ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी। ये आपको 2 से 3 रुपये मीटर मिलेगी। और ये जो लेस है ये अगर आप व्हाइट कलर में लेते हैं तो सभी कलर के कपड़े के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। अब देखिए मैंने रेड कलर से ये ड्रेस बनाई है, इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो और शूट की थी, उसमें मैंने देखिए ग्रीन कलर की कॉटन की ड्रेस बनाई है। ये भी छोटे कान्हा जी की है, 0 से 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है और आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर के साथ भी मैंने ये व्हाइट कलर की लेस यूज़ की है। तो ये जो लेस है ये आप सभी कलर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी भी आपको लंबाई बता देती हूँ। तो इसकी देखिए फ्रेंड्स जो टोटल लंबाई है वो मैंने 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच रखी है। अब हमें ऐसे इसको मोड़ना है, मोड़ने के बाद नीचे से हम बराबर करके रखेंगे। अब हमें इसको देखिए सेंटर में ऐसे रखना है और सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगाकर यहाँ पे चोली भी ज्वाइंट कर ली और अब कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।